18,000 करोड़ गोलियां महीने की बिकती हैं, बीपी शुगर जोड़ों का दर्द सब मिला के को आयुर्वेद की शक्ति नेचुरोपैथी की शक्ति पता चलेगी तो ज्यादा देश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि देखो वो डॉक्टर्स है नहीं, नॉलेज उनको है नहीं। देखो मैं ये कहना चाहूंगा, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं हुए। पहले अंग्रेज डायरेक्टली भारत पे को गुलाम बना के रखा था, अब उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों से गुलाम बना के रखा हुआ है। तो अब वक्त आ गया था, हमें भी लगा इतने साल हो गए पीछे कोरोना नाम का इतना बड़ा पैंडेमिक चलता रहा, तो अब कैसे इस मेडिकल माफिया से फार्मा माफिया से लड़ी जाए या कैसे इनको अपनी बात समझाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज़ ये लोग बोलते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, जिनका ये बोलते हैं कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर दवाई खाने पड़ेंगे। वैसे इलाज तो इनके पास किसी का भी नहीं है, ये तो शुगर को भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं, बीपी की भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं, थायराइड की भी ज़िंदगी भर गोली खिलाते हैं। और शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि जितनी भी गोलियाँ भारत में बिकती हैं, हम लोगों ने पिछले महीने एक टोटल लगाया था 18,000 करोड़ गोलियाँ महीने की बिकती हैं, बीपी शुगर जोड़ों का दर्द सब मिला के। और इनके जितने भी पेटेंट जर्मनी यूरोप यूरोपियन कंट्रीज़ के पास है, तो पेटेंट के नाम पर इसका बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर जा रहा है। तो फिर एक ही तरीका है कि भारत के लोग भारत की पत्ती से स्वस्थ हो जाएं, तो उसका एक ही तरीका था कि हम दुनिया को बताएं कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है, इच्छा शक्ति से खाने पीने में परिवर्तित करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, और जो डॉक्टर बीआरसी ने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, एक गर्म पानी के टब में बैठना, उन सबका उपयोग करके नंगे पाँव घास पर घूम के, जिसको हम जीरो वोल्ट बोलते हैं, उनसे ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम लगभग किडनी फेल के 5 पेशेंट जिनका डायलिसिस चलता था अभी बंद है, लीवर फेल के 2 पेशेंट जिनका डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया था अभी नहीं हुआ, बिना उसके ठीक हैं, इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के 3 पेशेंट जो डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी, वो ठीक हैं, ऐसे ही हार्ट के ऐसी बीमारियों के पेशेंट जो डॉक्टर ने बोला था बिना ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकते, इसके अलावा थैलीसीमिया के 5 बच्चे जिनको हर 15 दिन में या महीने में ब्लड चढ़ता था, अभी उनको 8 महीने से 10 महीने से बिल्कुल ब्लड का 1 यूनिट भी नहीं चढ़ा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने पूरी भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और भारत के हर मुख्यमंत्री, हर MP, हर MLA को चिट्ठी डाली कि आज की डेट में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजिए और चेक करो। तो सिर्फ 2 या 3 MP और उनके रिप्रेजेंटेटिव और 3-4 रिप्रेजेंटेटिवों की मैसेज आए कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो भी पहुँचे हुए यहाँ पे, तो हम उनके सामने पेशेंट पेश करेंगे कि आप खुद देखिए कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिसमें व्यक्ति गरीब हो जाता है, बीमार हो जाता है, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, वो बड़ी आसानी से घर पे भी ठीक हो सकती है। तो इस बात को हम पूरे भारत में फैलाना चाह रहे हैं। सरकार सहयोग क्यों नहीं करती इस तरीके के काम में या थेरेपी में या ऐसे कुछ आरोग्यशाला क्यों नहीं बनाती? सर एक्चुअल में मुझे लगता है सरकारों को भी पता ही नहीं है, क्योंकि देखो वो डॉक्टर्स है नहीं, नॉलेज उनको है नहीं, तो जो उनके आसपास के डॉक्टर्स हैं वो जैसा गाइड करते हैं सरकारों को, सरकारें तो सोचती हैं ना कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MBBS हैं, ये सही बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है वही तो बताएंगे। अब आयुर्वेद वाले कुछ, आयुर्वेद में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्या, यूनिटी नहीं है, सभी एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम में जितने भी आयुर्वेद के संगठन थे भारत के, हमने सबको इनवाइट किया कि आप लोग भी आओ, हम मिलकर काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, भारत सरकार ने एक अच्छा काम भी किया है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। पहले आप लोगों को पता हुआ हेल्थ इंश्योरेंस पहले सिर्फ एलोपैथी हॉस्पिटलों में चलता था, अभी हेल्थ इंश्योरेंस हर आयुर्वेद और हर एलोपैथी हॉस्पिटल में चलता है, तो वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है जो इसी सरकार ने किया। ठीक है, मेहनत हमने करी, मेल्स डाली, चिट्ठियाँ डाली, मिले जाके, लेकिन आज अगर आप सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो एलोपैथी में भी चलेगा, आयुर्वेद में भी चलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हॉस्पिटल NABH होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, आपको कहूँगा कि आप लोग भी ये आवाज़ उठाएं हमारी। भारत में जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको अपने कर्मचारियों के इलाज के कार्ड बना रखे हैं, लेकिन वो कार्ड सिर्फ एलोपैथी में चलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कार्ड आयुर्वेद में चलने चाहिए। अभी तक सिर्फ 3 सरकारों ने वो आयुर्वेद चलाने शुरू किए हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, प्लस दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली के कर्मचारियों के लिए भी एक योजना शुरू की है। तो अगर ये योजना पूरे भारत में फैल जाए तो सारे सरकारी कर्मचारियों को आयुर्वेद की शक्ति, नेचुरोपैथी की शक्ति पता चलेगी, तो ज़्यादा देश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा। एक दूसरी बात, आयुष्मान योजना को शुरू किए हुए भारत में 8 साल हो गए, नाम आयुष्मान है लेकिन उसमें आयुष है ही नहीं, तो मान किस बात का। तो ये आयुष उसमें आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 75 साल आज़ादी को हो गए लेकिन आज तक आयुर्वेद अपनी स्थान को ही तरस रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से एक अपील है कि कोई भी इनक्योरेबल डिजीज़ को बोला जाता है वो आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकती है।
ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। और एक लाइन और कि आज भी भारत में हम ये बोल नहीं सकते कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, हमें बोलना पड़ता है रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लगा हुआ है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट अंग्रेजों ने 1909 में प्लान किया था बनाना और 1940 में इसको लागू किया था। वो एक्ट ऐसा है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक तो कर सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि आप पे धारा लग जाती है, कानून अपना शिकंजा कस देता है, जैसे कि डॉक्टर बीआरसी के साथ भी हुआ है, क्योंकि इस केस ऑलरेडी एक केस चल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से अपील है कि अगर आज जो हम पेश कर रहे हैं 36 पेशेंट सारी दुनिया के सामने, अगर हम ठीक हैं तो एक तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई में शुरू करो कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को बचपन से सिखा दो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं क्या कम खाएं, आहार विहार लाइफस्टाइल। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो करना चाहिए कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आयुर्वेद नेचुरोपैथी होम्योपैथी डॉक्टर खुल के काम कर पाएं, ये मेडिकल माफिया उनको काम ही नहीं करने दे रहा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।